मजीद वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक करने की। तो दोस्तों चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं कंप्यूटर से भी तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसमें वाईफाई एनालाइजर है, जो कि मैंने प्ले स्टोर से ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। जस्ट इसके ज़रिए हम जितनी भी आपकी वाईफाई शो होती है उनके मैक एड्रेस फाइंड करेंगे। तो इसके अलावा एक आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए, आप नोट पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मोबाइल का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैसेज होता है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दोस्तों अपने जो वाईफाई है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक अपना वाईफाई है जिससे मेरी डिवाइस कनेक्ट है और दूसरा पीटीसीएल बीबी शो हो रहा है और एक ये वाला है। दोस्तों ये जो ट्रिक है जस्ट पीटीसीएल बीबी पर अप्लाई होगा। इसकी वजह ये है कि जो वाईफाई की डिवाइस होती है उसकी बैक साइड पर जो मैक एड्रेस लिखा होता है कंपनी वाले उसे ही मॉडिफाई करने के बाद पासवर्ड जो है इस वाईफाई का रख दिया जाता है। तो हम दोस्तों चलते हैं वाईफाई एनालाइजर में। यहाँ पर दोस्तों वो तमाम डिवाइस जो आप की रेंज में है वो शो हो रही हैं। तो यहाँ पर पीटीसीएल बीबी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका जो मैक एड्रेस है दोस्तों इसे कॉपी कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नोट पैड में। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे पेस्ट करूँगा और इसकी जो ब्रैकेट्स हैं दोनों साइड वाली उन्हें रिमूव कर दूँगा। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल ये 12 अल्फ़ाबेट हैं, इसमें से आपने जितने भी कॉलन हैं टू डॉट्स यानी कि इन्हें भी रिमूव कर देना है। यहाँ पर टोटल 12 अल्फ़ाबेट हैं, जो फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट हैं आपके मैक एड्रेस के उन्हें भी आपने रिमूव कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो अल्फ़ाबेट बचे हैं वो है टोटल 8, इन्हें मैं कॉपी करूँगा और 3 टाइम नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 टाइम इसे लिख लिया है। तो जो सब में पहले वाला पासवर्ड है इसे हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना और जो दूसरा है यहाँ पर जो लास्ट अल्फ़ाबेट है यानी कि बी है इस बी को हम रिमूव करेंगे और बी से पहले जो अल्फ़ाबेट आता है यानी कि ए उसे यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह जो तीसरा पासवर्ड है इसमें भी बी को रिमूव करेंगे और जो बी के बाद आता है यानी कि सी इसे यहाँ पर टाइप करेंगे। इसी तरह दोस्तों ये तो पासवर्ड के लास्ट में बी था तो इसलिए हमने सी ए यानी कि बी था हमने ए एक दफ़ा ए लिख दिया पहले वाला अल्फ़ाबेट और दूसरी दफ़ा सी लिख दिया दूसरा अल्फ़ाबेट यानी कि बी के बाद वाला। तो अगर आपके कोई और अल्फ़ाबेट भी हो आप इसी तरह एक दफ़ा पहला अल्फ़ाबेट लिखेंगे उससे और एक दफ़ा उसके बाद वाला। तो यहाँ पर दोस्तों एक और बात, अगर आपके ये इन तीनों में से भी वर्क ना करे कोई पासवर्ड तो आप जितने अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में हैं आप उन्हें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे और उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर न्यूमेरिक वर्ड हो लास्ट में जैसा कि 2 यहाँ पर है, अगर 2 यहाँ पर बी की जगह होता तो आपने 3 और 1 यहाँ पर ट्राई करना था। तो दोस्तों यहाँ पर हम इन्हें ट्राई करेंगे, तो इन तीनों को वाईफाई पर ट्राई करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको मोबाइल से अब स्क्रीन को रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि जो पासवर्ड लगाना होता है उसमें स्क्रीन कैप्चरिंग जो सॉफ्टवेयर है वो उसे ब्लैक कर देता है। तो इसलिए अब मैं मोबाइल की स्क्रीन से आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डायरेक्ट तो हो सकता है मे बी आपको थोड़ा सा मदहब नज़र आए। तो दोस्तों जो फर्स्ट पासवर्ड है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, वाईफाई की तरफ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं फ़िलहाल किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं हूँ, हमने पीटीसीएल बीबी को ट्राई किया था क्रैक करने का, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो पासवर्ड है अपना वो पेस्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं वही पासवर्ड है और ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट पासवर्ड है वो हमारा रॉन्ग पासवर्ड आ चुका है, इसका मतलब जो फर्स्ट है वो नहीं सही। इसी तरह दोस्तों हम जो सेकंड है उसे अब सेलेक्ट करते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों अगेन वाईफाई में जाएंगे और पीटीसीएल बीबी यहाँ पर दोस्तों अगेन हम करेंगे पेस्ट, आप देख सकते हैं हम सेकंड पासवर्ड है और ज्वाइन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड पासवर्ड था वो लग चुका है और एमपीटीसीएल बीबी से यहाँ पर कनेक्टेड आ रहा है। और आप ऊपर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वाईफाई कनेक्ट है। अब हम कुछ दोस्तों इस पर चला कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा वाईफाई जो है वो कनेक्ट हो चुका है, तो इस हमें जो तीसरे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों आपका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो कुछ भी हो, आपने ये जो पासवर्ड लगा था यानी कि बी काट कर उन्होंने फर्स्ट लगा दिया था यानी कि ए लगा दिया था, इसी तरह आपका भी कोई न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट हो या इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, तो जस्ट आपने उस अल्फ़ाबेट से पहले वाला अल्फ़ाबेट और उसके बाद वाला अल्फ़ाबेट जो है वो ट्राई करना है। तो उम्मीद है कि आप किसी न किसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।